हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफेक्ट चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस। आज इस वीडियो में कंप्लीट COVID-19 के MCQ क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो एक बार सारे ही क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे जो कि आपको रिमेंबर और जितने भी तरीके के क्वेश्चन बने हैं उसको याद रखने में मुश्किल ना हो। तो हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट? व्हेन ए पर्सन स्नीज और कफ, ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाय सरफेस। ऑप्शन नंबर बी, इफ अनदर पर्सन इज नियर बाय एंड इनहेल द ड्रॉपलेट्स और टचेज दिस सरफेस एंड फर्दर टचेज हिज फेस, आइज और माउथ, ही और सी कैन गेट एन इन्फेक्शन। इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर करेक्ट फॉर द कोरोना वायरस ट्रांसमिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, द अनदर नेम ऑफ नोवल कोरोना वायरस इज। तो क्या है ये? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम है SARS-CoV-2। तो इसका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है, जो कि इसका फुल फॉर्म है। तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, तो कहाँ पे इन्फेक्ट करेगा हमारा ये वायरस? ये लंग्स पे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट रिजर्वर ऑफ होस्ट ऑफ इमर्जिंग वायरस। कौन से एनिमल में रिजर्वर ऑफ द होस्ट ऑफ इमर्जिंग वायरस होते हैं? ऑप्शन नंबर ये, बैट। करेक्ट आंसर इज बैट, ठीक है, बैट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। द फर्स्ट केसेस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वुहान, हुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, MERS और SARS, SARS, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट नेम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। जब भी उनको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसमें क्राउन लाइक प्रोजेक्शन देखा गया, इसलिए उनको कोरोना वायरस नाम दिया गया। कोरोना वायरस गोट नेम ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 अनाउंस्ड ए ऑफिशियल नेम ऑफ द डिजीज दैट कॉजिंग द 2019 नोबल कोरोना वायरस आउटब्रेक। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, द करेक्ट नेम इज COVID-19। ऑप्शन नंबर ए इज COVID-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोना वायरस? ठीक है, इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस, इट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, ओनली ए इज करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस, इट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज एरिया और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन वर्ल्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 200 कंट्री इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टडी विच सेल आर फाउंड इन COVID-19 पेशेंट बोड वेल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम रिकवर्ड COVID-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट इन ए क्रिटिकल कंडीशन। तो बहुत ही फेमस थेरेपी आपका यूज किया गया है और
इसका बैंक भी बनाया गया है दिल्ली में, तो उसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा बैंक भी बनाया दिल्ली में, ठीक है, फर्स्ट स्टेट है। ऑप्शन नंबर ए इज ए प्लाज्मा थेरेपी एंड फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव आर करेक्ट। द ऑप्शन रीड करते हैं, कोविड-19 ऑक्यूर इन ऑल एज ग्रुप, हो सकता है भाई सभी में हो सकता है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन, करेक्ट। ओल्डर पर्सन एंड अ पर्सन विथ प्री एग्जिट मेडिकल कंडीशन एट द हाइयर रिस्क ऑफ द डेवलप सीरियस इलनेस, ये भी करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट आर द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस। ऑप्शन रीड करते हैं, कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, एड मोर गार्लिक इन टू योर डाइट, विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, वॉश योर हैंड एवरी आफ्टर एवरी आवर। द करेक्ट आंसर इज कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस इज कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, कफ भी होता है, फीवर भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होता है सिम्टम्स में, कोरोना वायरस के सिम्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है आपको कि फर्स्ट कंट्री कौन है जो फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस हुई थी, तो फर्स्ट कंट्री का भी नेम पूछा जा सकता है। तो न्यूजीलैंड डिक्लेयर द कोरोना वायरस फ्री, फर्स्ट कंट्री न्यूजीलैंड आएगा, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है अगर किसी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो। न्यूजीलैंड डिक्लेयर द कोरोना वायरस फ्री टू लिफ्ट ऑल रेस्ट्रिक्शन। न्यूजीलैंड हैज नो एक्टिव केसेस ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फरवरी 28 से नो केस फाउंड किया गया है, द कंट्रीज हेल्थ मिनिस्टर सेड इन द स्टेटमेंट ऑन मंडे। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर कोरोना वायरस फ्री इज न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर सी जूनोटिक, ऑप्शन नंबर सी जूनोटिक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर शोइंग सिम्टम्स ही वॉज टोल्ड टू फॉर 14 days, क्या करने के लिए बोला गया। ऑप्शन नंबर बी सेल्फ आइसोलेट, ऑप्शन नंबर बी सेल्फ आइसोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वायरस कॉजिंग द कोविड-19 आउटब्रेक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज सारस कोविड टू, सीओवी टू, सारस सीओवी टू, इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट वाइड स्प्रेड। द करेक्ट आंसर इज, पहले ऑप्शन को रीड कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको याद रहेगा, यही आंसर होगा, एन आउटब्रेक, एन एपिडेमिक, ए पेंडेमिक, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ए पेंडेमिक इज द मोस्ट आउट वाइड स्प्रेड, ऑप्शन नंबर सी पेंडेमिक, ठीक है, इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्टिंग द नोबल कोरोना वायरस, जो टेस्ट है कोवल ये आपका नोबल कोरोना वायरस का, कौन सा टेस्ट किया जाता है कोरोना वायरस है कि नहीं आपका। द करेक्ट आंसर इज RT-PCR इज द टेस्ट नेम फॉर द नोबल कोरोना वायरस। RT-PCR बोल कर टेस्ट है जिससे हमें पता लगता है कि आपको कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म भी बता दूँ, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म है RT-PCR, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the etymology of the coronavirus disease name? The name, the correct, ये आपका answer देख लो. The name coronavirus is derived from Latin word. ठीक है, derived from Latin. And corona meaning crown or wreath. ठीक है, ये पूरा डिटेल में आपको बता दिया हूँ. Derived from Latin and corona meaning is crown or wreath. Next question. तो फर्स्ट जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो करेक्ट आंसर इज संडे 22 मार्च 2020 को. 22 मार्च संडे को फर्स्ट जनता कर्फ्यू लगाया गया था. ICMR लुक्ड एट कोविड 19 वैक्सीन. ICMR जो कि फुल फॉर्म होगा इसका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, लुक एट द कोविड 19 वैक्सीन. नेक्स्ट चलेंगे न्यूज पे. तो फर्स्ट स्टेट कौन थी जो लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस की थी? तो पढ़ते हैं. द स्टेट वॉज द फर्स्ट टू अनाउंस ए कंप्लीट लॉकडाउन स्टार्टिंग 22 मार्च बैरिंग इसेंशियल सर्विस ऑन 22 मार्च द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. तो फर्स्ट स्टेट बनी थी राजस्थान जो कंप्लीट लॉकडाउन की थे. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, द वैक्सीन कैंडिडेट कॉल्ड कोवैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड हु गॉट अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. तो जो वैक्सीन बना रही है उसका नाम क्या है? कोवैक्सीन. ये 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला था लेकिन किसी वजह से ये नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो उस वैक्सीन का नाम था कोवैक्सीन. ठीक है, और ये डेवलप्ड किसने कर रहा था? तो वो है भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड. ये कंपनी का नाम याद रखना, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड डेवलप्ड एक कोवैक्सीन. अब देखो ये लॉन्च कब होगा, लेकिन अब 15 अगस्त को जो आने वाला था ये आपका कोवैक्सीन, अब तो ये डिले होगा कुछ. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय द विच कंपनी इज भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड. ठीक है, या भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड कौन सी वैक्सीन बना रही है? तो कोवैक्सीन नाम है, विद द हेल्प ऑफ ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. तो ये रहा सारे कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द कोविड 19 MCQ एंड न्यूज. ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.